आप सबका वेलकम हमारे अपने चैनल पे जिसका नाम है रियल रिएक्शन। मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन और मैं हूँ इकरा। इकरा, हाँ जी, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है बहुत ही फरमाइशी वीडियो, बांग्लादेश की एक बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुकी है। वायरल हो चुकी है, डॉक्टर्स ने जिस तरह की आजकल मुल्क में सारे कंट्रीज में सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, उस सूरत हाल से थोड़ा सा हट के अपने आप को मेंटली तौर पर रिलैक्स करने के लिए डॉक्टरों ने एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो पेश किया है। तो हमने कहा क्यों ना हम अपने व्यूअर्स के साथ वो वीडियो शेयर की जाए। तो देखते हैं आज की वीडियो क्या है, बाकी बातें करेंगे आपसे बाद में। लेट्स वॉच टूडे वीडियोज। जिन जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, जिन्होंने कर लिया उनका थैंक यू सो मच। इसी तरह हमें अपना प्यार अपना प्यार मोहब्बत हमें देते रहिएगा ताकि हम आपके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करते रहें। चलिए जी देखते हैं आज की वीडियो। लेट्स वॉच। रोगीदेर साथे साथे चिकित्सकदेर अवस्थाओ करुन, दिन रात खेये ना खेये ड्यूटी रोगीदेर पाशे थाकछेन चिकित्सकरा। एरी माझे अनेकटा शीतल अनुभूति आनलेन ढाका मेडिकलेर तीन चिकित्सक। কারণটা জানুন যে রাধে সে চুলো বাঁধে, কথাটির যথোপযুক্ত প্রমাণ দিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তিন চিকিৎসক। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের ডাক্তাররা কোভিড-19 মহামারীর দায়িত্ব পালনে যখন হিমশিম অবস্থা তখন তাদের উৎসাহ দিতে ডিউটির ফাঁকে এমন আয়োজন তিন চিকিৎসক শাশ্বত চন্দন, আনিকা ও ডাক্তার গান গাইতে থাকো সারা সিলেটর লাগিয়ে একটা গান গাও না হানে মা। এর মধ্যে ডাক্তার শাশ্বত চন্দন ঢাকা মেডিকেলের ইন্ডিয়ান চিকিৎসক পরিষদের সহসভাপতি। যমুনা টেলিভিশনের কাছে তিনি জানালেন এই উদ্যোগের পেছনের গল্প। করোনার একটি ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে মানুষের মানসিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যায়, তো আমরা চেষ্টা করেছি এই নাচের মাধ্যমে যেন আমাদের এই ডাক্তার সমাজ যেন উৎফুল্ল হয় এবং তারা অনুপ্রেরণা পায়। সম্প্রতি ভারতের কেরালায় একজন মুসলিম ও হিন্দু মেডিকেল শিক্ষার্থীর নাচের ভিডিও সমাদৃত হয় সারা বিশ্বে। ঠিক একইভাবে এই ভিডিও পোস্টের 24 ঘন্টা যেতে না যেতেই ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন এই চিকিৎসকরা। সকলে আমাদের এই ভিডিওটা দেখে তারা অভিনন্দন জানিয়েছে, যেন আমরা যেন রোগীদের যে সেবাটা করছি এটা যেন আমরা করে যেতে পারি, নিয়মিত করে যেতে পারি এবং অন্য ডাক্তাররা যেন এখান থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে, তারা যেন উৎফুল্লভাবে রোগীর সেবা করে যেতে পারে। এই ইন্টার্ন চিকিৎসকরা বলছেন করোনায় রোগী ও চিকিৎসকদের বড় অংশ মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার শঙ্কায় থাকে, এমনটা যেন না হয় সে চেষ্টাই সামনের দিনেও কাজ করবেন তারা। ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? माशाल्लाह वीडियो आज का बहुत अच्छा था। क्यों इकरा, कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा यार, मतलब कि उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो आज का सिचुएशन चल रही है उसमें सभी बंदे स्ट्रेस में हैं, खौफ में मुब्तला है। इसमें डॉक्टर्स ने ऐसा किया कि थोड़ा सा डांस करके मतलब खुद को भी रिलैक्स किया और बाकी लोगों को भी रिलैक्स करने की कोशिश की है। टेंशन तो डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है डॉक्टर्स को टेंशन। ये मतलब कि वायरस इस किस्म का है जिससे मतलब हर बंदा ही अपसेट और परेशान है, जिसकी वजह से ये नहीं कि एक मुल्क में, उसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। हर तरफ ही मतलब कि इस वायरस की वजह से हम लोग लॉकडाउन हो गया, हम लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से हर बंदा ही परेशान है काफ़ी हद तक। तो मतलब कि वीडियो तो बहुत अच्छी थी, मतलब उन्होंने अपने आप को मेंटली रिलैक्स किया, जो भी देख रहा है वो भी देख के मतलब कि काफ़ी रिलैक्स फील करता है कि मतलब हर बंदे को इस तरह चिल माइंड होना चाहिए। तो हमें तो बहुत अच्छी वीडियो लगी गाइस, आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इसी तरह हमारे साथ अपनी वीडियो को और हमारे प्यार अपने प्यार को शेयर करते रहा करें ताकि हम आपके साथ सिचुएशंस में आप भी प्लीज प्रिकॉशंस यूज किया करें, मास्क पहना करें, स्टे होम सेफ लाइफ। सिचुएशन सारे मुल्कों के साथ ही ऐसी है, हमारे साथ भी है, आप लोगों के साथ भी है और भी दूसरे सारे मुल्कों के साथ होगी, लेकिन हमें
सूरत हाल में भी हम सब एक दूसरे के साथ साथ हैं। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बाय। सुस्त थाकुन, बालो थाकुन।